हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग लेकर आए हम गीता जयंती का, जो हमारे ही कुरुक्षेत्र में हर साल लगती है नवंबर टू दिसंबर के मिड में या इसके एंडिंग में। ठीक है, तो आज हम जाएंगे और दिखाएंगे। तो ये है हमारा ब्रह्म सरोवर। यस, यहाँ पर है पानी, बड़ा सुंदर सुंदर, बड़ा मज़ा आता है। ठंड भी बुरी लगती है इस पानी से, और साइड में लगती है दुकानें। चलो चलते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा चाय पीने का मन था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम सुबह 9 बजे के समथिंग आए थे, तो हमें कोई चाय की दुकान नहीं मिली, तो हमने सोचा चलो हम चाय पीते हैं। क्या बना, क्या बना? घूमरन कुछ भी बता ना। मैंने सिर्फ अपने पैसे दिए, इसके पैसे नहीं दिए। और देखो बेचारी, अब कैरी अंकल ले लो प्लीज, मांजो मांजो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम गीता जयंती। देखना, यहाँ पे पेंटिंग्स रखे होते हैं, कुछ फर्नीचर के सामान होते हैं। तो जैसे कि पेंटिंग्स हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बना रखे है। राधा कृष्ण जी की भी है, वो भी पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है जो इन्होंने बनाई है। ये इन्हें भी सेल कर देते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं स्टॉल पर। उसके बाद आगे आते हैं चाय सेवा, जो यहाँ पर है। लोग ठंड का मौसम होता है तो चाय की सेवा करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस जगह पर। यहाँ पर जो भी ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, वो अनाथ बच्चों ने बनाई है। तो जो भी इन्हें कोई ख़रीदता है और इनका जो पैसा होता है ना, वो सारे उन बच्चे अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके अकाउंट में जाता है। इन सबके नाम भी लिखे होते हैं, जिसने बनाया उसके अकाउंट में चले जाता है। देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इनके अंदर जो टैलेंट है उन्होंने इसमें यहाँ दिखाया है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। तो इसमें लाइट जलती है, दिखने में इतना खास नहीं लग रहा है, पर इसमें मेहनत लगी है ना। तो कर इंट्रोड्यूस। गर्लिश हो गई, सेम वही चीज है क्या? मैम की ड्यूटी लगी है क्या? तो ले ली मेरे को, जैसा वो था हेयर बैंड। मैं ऐसे पागल थी ना, मैंने ले ली, मैंने कहा घर जाके बनाऊंगी। तो सच में सीरियस? हाँ सीरियस थी सच्ची में उस टाइम। मैंने कहा घर जाके बनाऊंगी, मेरे पास भी कुछ कुछ आएगा। मैंने ले ली वो, फिर से घटी नहीं। अच्छा, लेकिन वो बनाएगा कैसे, हमारा कपड़ा कैसा बनाएगा वो बेटे। की थी ना जो मैं सोच रही थी 8 लिख दूँ वहाँ, फिर मैं यहाँ फ्री सेवा चाय मिलती है। जैसे हमने एक चाय ली है, पर इनका को पीनी नहीं है। देखो भाई यहाँ सेल और यहाँ कितनी भीड़ है। ये टैटू बनवा सकते हैं हम यहाँ पे। मैं टैटू ही नहीं बनवाऊंगी। और हम इतना चलने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं थके, लेकिन प्रियंका की बकबक बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। इस लड़की ने हमेशा वीडियो के अंदर बकबक करी है, इसलिए मैंने यहाँ से म्यूट ही किया है। तो चलो आगे दिखाती हूँ। तो यह है लकड़ियों का सामान, जो भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये भी दिख ही रहा होगा आपको, और ये अचार है, मे भी या अचार है, और ये बच्चों के कपड़े हैं। मुझे वीडियो बाद में बनाने पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका ने इसमें बहुत ज़्यादा बकवास करी है, कभी यहाँ की बात कभी वहाँ की बात। ये जो फ्लावर्स है, ये मैं 50 के ये 100 के ना पिछली बार 4 मिल रहे थे, मैं अपने घर के लिए लेके गई थी और मैंने डेकोरेट किया था, बहुत मज़ा आता है। और ये जो भी यहाँ पे ये जो बंदे बैठे हैं ना, ये कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करते रहते हैं, लाइक डांस डूंस वगैरह एंटरटेन करते रहते हैं, मतलब किसी को बोरिंग नहीं लगता।
हाँ ये बोल दिया हो क्या था कोम्ब आगे बोल लेनी है क्या लेनी है 40 या 50 की पता नहीं 100 की पूछियो कितने की है 80 रुपए सही है ले बीच में टूटा था Wow! Very dangerous! कहाँ? उल्लड़ हाँ हाँ मैं भी मैंने भी मैं मुझे यहाँ कुछ बना हुआ नहीं दिख रहा यहाँ पे बच्चों को ट्रिप से एक छोटा सा ट्रिप होता है वो बच्चों को लाते हैं यहाँ गीते सिंथी दिखाने के लिए वहाँ कॉर्नर पे लगते हैं झूले जो बहुत सारे झूले लगते हैं उसके बाद यहाँ आती है हमारे खाने पीने की मार्केट जो आपको यहाँ से कुछ खाना हो खा सकते हो जैसा सही लगे बहन गोलगप्पे ही है यार बदन देना यहाँ से तो वो रास्ता जाता है एक तो जाता है उधर झूले वाली साइड और एक जाता है इधर यहाँ पे ना लाइक एक सत्संग सा बिठाया जाता है जहाँ पे लोग राम कथा के बारे में सुन सकते हैं शायद हाँ राम कथा से ही रिलेटेड है जो यहाँ पे सुनाते हैं बहुत से लोग बैठते हैं यहाँ पे और सुन के भी जाते हैं जो फ्री होते हैं या जिन्हें सुनना पसंद है कुछ भी उसके बाद ये वाला जो रास्ता है ये है झूला झूलने वाला यहाँ से आप अंदर झूला झूलने जाते हो तो झूला झूलने का जो अंदर का जो पूरा ग्राउंड है जहाँ पे झूले झूलते हैं उसकी भी एक अलग से टिकट होती है उसके बाद आप झूले वाले उसमें एंटर कर सकते हो वो शायद 10 to 20 रुपीज़ की टिकट लगती है उसके अंदर जाते हैं उसके बाद झूले झूल सकते हो जो भी देखना हो वो कर सकते हो उसके लिए स्पेशल टिकट लगती है तो आओ तो झूले वाले के लिए पहले से टिकट के लिए भी पैसे लेके आना और झूलों के लिए भी पैसे लेके आना तो चलो अब हम कुछ खा पी लेते हैं और हमने ज़्यादा कुछ ना खाते हो यहाँ टिक्की खाई ये स्टार्टिंग पे एंटर करते हो टिक्की वाला इस भैया की टिक्की कभी मत खाना क्योंकि ये टिक्की इतनी अच्छी नहीं बनाता और हमने गोलगप्पे खाए थे वो ज़्यादा अच्छे थे
उसके बाद हमारी स्कूटी पार्किंग में लगी थी, हमने यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल से निकलवाई अपनी स्कूटी को, और उसके बाद हम स्कूटी निकलवाने के बाद घर चले गए। यही है डे की हमारी गीता जयंती का व्लॉग, उसके बाद मैं रात का भी व्लॉग लेके आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। चलो बाय बाय।